सज्जन बने रहे कि आपके सामने आपकी आचार संहिता को ढोते हुए चुप बैठे रहे। आप आए हमारा मोदी की सरकार बनाए और मान लाए। रेती की जंजीरें हो गई जन, न्याय के मंदिर भी हो गए बम। जमाना चले ना चले मेरे संग, अभी कल भागलपुर में एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी घटना उसके घर में घुस कर दिया गया। छोटे हैं जिस मन पे मरहम, लाश नहीं हूँ मैं जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें हैं खुशियों के रंग, हर मासूम बनी एक नई तरंग। और हम ये जो वोट देते हैं इससे आपकी सरकारें बनती और बिगड़ती है। हमें जरूरी है ये बनारस की छात्राएं हैं जो ये सिखाने में लगी हैं कि इस देश की महिला को एहसास हो या आए कि तुम्हारे वोट से इस देश की सरकार बनती और बिगड़ती है, तो तुम्हें अपनी मांगों के लिए युद्ध करना आना चाहिए। तुम्हें अपनी मांगों को आवाज उठाने के लिए आना चाहिए। तुम किसान हो, तुम मजदूर हो, तुम दुकानदार हो, तुम ठेले पटरी वाले हो, तुम अफसर हो, तुम पत्रकार हो, तुम शिक्षक हो, कुछ भी हो, तुम छात्र हो। ऐसे तमाम कमेटियां, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं महिलाओं के हित में जो बनाई जाती हैं, ऐसे तमाम कानून आपकी शाखा कमेटी की मिलन बनती यहाँ विद्यापीठों का कर दीजिए। एक भी मामले में हल नहीं निकलता है, किसी भी चीज को आगे तक नहीं जाने दी जाता है। थाने में आप देख लीजिए, आपको जो भी पुरुष मिलेंगे वो FIR लिखने में या महिला थाना हो या आप जाकर के देखिए परिवार न्यायालय का मामला हो, कहीं उनको न्याय नहीं मिलता। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं काम कर रहा होता और सबसे खराब हालत में वहीं पे लोग बैठाए जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं है। तो ये जो हमने शुरुआत की है थाली बजा कर, ये रुकनी नहीं चाहिए। Oh!